हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको खीरा का रायता बनाने की विधि बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। आप घर में बहुत ही आराम से बना सकते हो, टाइम बिल्कुल नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। तो यहाँ पर हमने दो खीरा ले लिया है बड़े साइज में। इसका छिलका हम उतार देंगे, तो मैंने छिलका उतार दिया है। अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ बहुत मोटा वाले ग्रेडर से नहीं करेंगे, जो मीडियम साइज में होता है उसी से हम ग्रेट करेंगे। तो देखिए, मैं ऐसे ग्रेट कर रही हूँ धीरे धीरे करके, संभल के करना, नहीं हाथ में लग जाए। तो देखिए, हमारा तैयार हो गया खीरा कद्दूकस किया हुआ। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर हमने दही ले लिया है, 250 ग्राम है। तो ये दही को हम फेंट लेंगे। ये हमारा घर का बनाया दही है। आप भी ऐसे घर में दही तैयार कर सकते हो, बहुत ही आसानी तरीके से दही बन जाता है। तो देखिए, हम इसको ऐसे फेंट लेंगे चम्मच के हेल्प से। यहाँ पर एक हरी मिर्च हम इसमें डालेंगे, उसको हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो देखिए, हमने काट के तैयार कर लिया है इसको। अब एक कटोरी में हमें पूरा दही ले लेंगे इसको। इसे कद्दूकस किया हुआ खीरा में हमें दही ऐड कर देंगे और चम्मच के हेल्प से हम इसको मिला देंगे। तो देखिए, हम इसको चम्मच के हेल्प से मिला रहे हैं। ये रायता बहुत अच्छा लगता है और गर्मी में तो बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो यहाँ पर हमने एक हरी मिर्च काट के इसको भी डालेंगे, थोड़ा सा कढ़ी पत्ता डालेंगे, जो मीठी नीम बोलते हैं वही वाला है ये, उसको कढ़ी पत्ता भी बोलते हैं। और ये एक चम्मच हमने इसमें भुंजा जीरा ऐड किया है और नमक डालेंगे स्वादानुसार, और थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसको सब मसाला को हम इसमें मिला देंगे। रायता बहुत ही चटपटा बनता है, ये ज़रूर बनाना एक बार इस गर्मी में। तो देखिए, हम चम्मच के हेल्प से इसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं कि पूरा अच्छे से नमक और मसाले सब मिल जाए खीरा। तो हमारा रायता बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना जल्दी बनके तैयार हुआ है, टाइम बिल्कुल नहीं लगा है। तो एक बार इस गर्मी में आप ये रायता ज़रूर बनाइए और खाइए। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली, परिवार, दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।